पैसे शाही दो दिन मोहलत दो मुझे मोहलत मोहलत कोई नहीं है पैसे ये शाही दो दिन मोहलत दे दो प्लीज आपको इतनी मोहलत दे दिया मुझे पैसे चाहिए बस वरना मैं रिक्शा ले जाऊंगा शाही सिर्फ दो दिन मौका दो मेरा ये रोजी का सिलसिला बचो नहीं मोहलत कोई नहीं है बस शाही प्लीज सर नहीं बस बस मैं रिक्शा लेके जा रहा हूँ शाही प्लीज أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्लाह मेरी मदद फरमाए अल्लाह अल्लाह मेरे काम में बरकत डाल मेरे मालिक अल्लाह शाजी अजमान जाए चलो करता हूँ फ़ोन कि दो दिन की मोहलत दे दे लॉकडाउन में काम तो है नहीं बहुत परेशान हूँ यार मैं क्या करूँ मैंने शाजी के पैसे भी देने रशे की किस्त भी देनी अल्लाह तो शुक्र अल्लाह पाक का कि शाहजी ने एक दिन की मोहलत दे दी मुझे शुक्र अल्लाह पाक तेरा या अल्लाह काम अच्छा लगा देना मैंने किस दिन नहीं आया रक्षा जी ने तो वो शाहजी कह रहे थे कि आज तुम्हारा रक्षा ले जाएंगे अरे अल्लाह यही मेरे बच्चों का रोज़ी का यही मेरा जरिया है और मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा आज इंशाल्लाह काम अच्छा लगा ना ताकि मैं अभी शाही की किस्त दे सकूँ साहब जी आ गए आप अच्छा स्टाफ आप कितना भाई इतना 100 दो सफाई करूँगा और साहब जी बस भूल गया अपना काफ़ी पैसे हैं यार नंबर है भाई को मैं करता हूँ फोन
हेलो साहब जी, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। आपका ये मेरे रक्शे में अभी आप बैठे थे तो आपका पर्स ये यहाँ रह गया। अच्छा, ओहो। चलें आप ऐसा करें कि मैं तो अब दूसरे शहर आ चुका हूँ, तो आप वो सारे पैसे रख लें। इतने सारे पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ साहब जी? आपकी मानत है, आप बताओ मुझे कहाँ मैं आ जाता हूँ। नहीं साहब जी, मेहरबानी साहब जी, अल्लाह आपको और दे। ज़रूरत तो मुझे थी साहब जी। हाँ मैंने आज, हाँ साहब जी मैंने आज पैसे देने थे, अल्लाह आपका भला करे। ठीक है साहब जी, शुक्रिया साहब जी, अल्लाह साहब। चले तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो जो हम तीनों ने मिलके बनाई है आपकी खातिर? तो ये हमारे भाई हैं, इनका देसी पंजाबी टीवी चैनल है और हम मिलके कोशिश करेंगे कि इस तरह अच्छा कंटेंट आपको दिखाएं। और मेरा भी चैनल है हमजा एजाज साहिल के नाम से, दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा वीडियो का पैगाम था वो यही था कि जितने भी हमारे कर्जदार भाई हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने कर्ज को उतार कर जो उनकी रोज़ी रोटी है उसको पूरा कर सकें। और ऐसे ज़रिए जिनके ज़रिए से कोई भी अपना रोज़ी रोटी का सामान करता है, हमें चाहिए कि उनसे थोड़ी सी नरमी करें, मोहलत दें, उन्हें टाइम दें ताकि वो अपने कर्ज़ों को अच्छी तरह से अदा कर सकें। और हम अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में नेक लोगों की कमी तो है नहीं, तो आप भी नेक लोगों में अपना शुमार करवाएं और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है भाई, आप बताना मेरा ये चैनल देसी पंजाबी टीवी, इंशाल्लाह मैंने पहले भी ये वीडियो एक बनाई है, तो यही मकसद मेरा बनाने का कि जैसे हमजा भाई ने बताया, ये मेरे भाई ने वीडियो में साथ दिया भाई। तो ये आया था जैसे पैसे लेने, अगर ये मेरा रक्षा ले जाता, बाद में मैंने उसको कॉल की, जैसे भी किया तो मसला हल हो गया, अगर ये मेरा रक्षा ले जाता तो मेरे बच्चों का सिलसिला वही था जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया, तो अगर वो ले जाता तो फिर मैं कहाँ से बच्चों को ला के देता। बस यही कहने का मकसद कि भाई अगर किसी को कर्जा दो तो मजबूरी होती है इंसान की, हर किसी का दिल चाहता है कि वो वापस दूँ, लेकिन उसको मदद देनी चाहिए। ये अल्लाह का भी फरमान है कुरान पाक में कि कर्जदार को मदद दो। तो बस यही सबक है कि भाई गरीब पे अपना हाथ रखो। तो हमारे तीनों भाइयों की कोशिश को आप, अगर आपको पसंद आई तो ये वीडियो हमारी शेयर करना आगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना हमजा भाई। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।